हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स क्लास 6 चैप्टर 5.4। हमने एक नंबर सम बना लिया था, हम टू नंबर सम अब करेंगे। टू नंबर सम देखिए क्या है, से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दिया, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्क दिया हुआ है, ये मार्क और ये मार्क की क्या होता है, ये मार्क अगर इधर हम कोई अंक लिखते हैं और अगर हम इधर अंक लिख रहे हैं तो जिसकी साइड ये जो इसका मुंह है खुला रहता है वो हमारा बड़ा होता है, जिसकी साइड बंद रहता है वो हमारा छोटा हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं 4 is less than 6, यानी कि 6 से छोटा है 4। तो उसी तरह आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसने लेस देन, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि एक्यूट एंगल क्या पूछ रहा है, सी या ट्रू फॉल्स, यानी कि सही या गलत। तो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, से ट्रू और फॉल्स, यानी कि कह रहा है गलत है या सही है, स्टेटमेंट जो दे रखा है वो गलत है, कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स करके, ये आपके मल्टीपल चूज क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए सवाल को समझिए और अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि 90 डिग्री से क्या एक्यूट एंगल कम होता है, ऑफकोर्स कम होता है अगर ये हमारा राइट एंगल है। तो हमने क्या बोला था, अगर राइट एंगल का हम हाफ करते हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का हाफ यानी 45 डिग्री। सो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, राइट है, इसको हम ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है 90 डिग्री से कम, यानी कि ट्रू राइट है, ये जो ये बोल रहा है वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री। कह रहा है क्या 90 डिग्री से लेस देन होता है ऑब्ट्यूस एंगल? नो, आपको हमने क्या बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो स्ट्रेट एंगल से, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, जो स्ट्रेट एंगल से छोटा और राइट एंगल से हमारा बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 90 डिग्री का मतलब हमारा राइट एंगल हो गया और ये छोटा बोल रहा है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सो इसको हम फॉल्स लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो स्ट्रेट एंगल मान लीजिए ये हमारा है, अब ये जो स्ट्रेट एंगल से भी थोड़ा सा ऐसे चला जाता है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। सो 180 डिग्री तो हमारा हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, अब ये ग्रेटर देन बोल रहा है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है तभी तो इसके तरफ इसका मुंह खुला है, नहीं 180 डिग्री ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्स एंगल। कह रहा है कि 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है, तो यस होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल से जो बड़ा होता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, थोड़ा सा तिरछा चला जाता है, सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए ट्रू। फिर हम देखते हैं डी नंबर, द मेजर ऑफ ऑन वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री। क्लियर है अब तक, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, हमें समझाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 360 डिग्री ही आंसर होगा। फिर हमारा देखिए क्या कह रहा है, ई नंबर क्वेश्चन, इफ मेजर ए एंगल जो है, मतलब एम से मेजर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसने, मतलब अगर हम एंगल ए का मेजर देखिए 53 डिग्री है एंड मेजर बी का एंगल करते हैं तो 35 डिग्री होता है, देन मेजर एंगल ए क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ये इसका तरफ इसका मुंह खुला है, यानी कह रहा है कि अब बी से एंगल ए का जो मतलब एंगल का जो माप है वो ज्यादा है, मेजर का मतलब तो माप ही होता है, तो कह रहा है कि अब बी से एम ए का माप ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 53 है, यहाँ पे 35 है, सो क्लियर दिख रहा है कि ज्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रू, क्योंकि बी से ज्यादा है, ग्रेटर देन इसने कहा है ना, तो ज्यादा है, इसलिए ट्रू। इसमें आप देख सकते हो सारे ट्रू हैं, बस एक फॉल्स हमारा बी नंबर हुआ है, बाकी ऑल टोटल ट्रू है। बट आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है वो भी अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप समझ के ही कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।